नमस्कार, आम ओडिशा सह मु गायत्री। बालेश्वर जिला सुवर्णरेखे जलस्तर वृद्धि पाइबा फल गांव में पशुची पा राजघाट विपद संकेत प्रभावित होलस्तर एवं जलस्तर रही 11.90 मीटर। बालेश्वर जिलार तलिया अंचल क्रमगत जलस्तर वृद्धि पाइबार लगी। बालियापाल ब्लक एकाधिक गांव में पशिची पा सुरक्षा दृष्टि लोक उच्चा स्थान को स्थानातर कर बालियापाल विष्णुपुर जी रास्त प्राय 4 फुट्र पा सेपरि बालियापाड़ चौधरीकूद को जीवा रास्ता रे भी प्राय 4 फुट उच्चर पा चली। कुदमानसिंह एवं जामकुंडा ठारे रास्ता उपरे पानी चली, फलर लोकों मध्य भयर वातावरण खेली जा। सुरक्षा दृष्टि लोकों बन्या आश्रय स्थल को निठार रंधा खाद्य दि जाए। सेपरि भोगराई ब्लक पशि ब्लक तीनोटी पंचायत बेसी प्रभावित होठार भी लोकं सुरक्षित स्थान को स्थानातरित कर सुरक्षा दृष्टि अग्निशम विभाग 15 जनिया टीम आलर्ट रही। 7टी बोट प्रस्तुत रही। लोकं सुरक्षित स्थान को ने सहित रंधा खाद्य जोगाई दि जा। किसी स्थान में लोके नदी बंध उपर रात्रि जापन कर। नदी तलिया अंचल आम घर करें असुविधा सम्मुखीन हो विधायक मैंने आसिक देखी जाइंट कौन यार पदक्षेप ने पानी आज्ञा बहुत स्पीड बढ़ुची आस्ते आस्ते बढ़ुचे। आम देखीलु जे 3टा समय आसी पानी इस टोटाल ना ये संध्या किसी समय पूर्व आस्ते आस्ते बढ़ुचे। घर छाड़ी बर्तमान नदी बंध पर आम घर द्वार भाषी गला गोरु छाड़ी सब भाषी गला आम आसी बंध पर पाउल पक अच्छे अंटे नखा जोर पशिकी आम बंद को आसलु तेणु खाइबा पीबार भी असुविधा होटी रही भी असुविधा होणु से असुविधा सकाशे आम बंध रु आसिक आश्रय नहींचु तेणुतापर सरकार जहाँ निर्भर करेंगे आम हाँ ये तो बड़ विपद पा सबे मार चल आर गाई लोक छड़े छेड़े बेले घर को बंद आसगले आउ रही भारी कष्ट जोरी टांगी सब अच्छा बड़े दुखर कथा। सेपटे बालियापाड़ ब्लक संगमुहारे अल्पके अघटन बर्ती जाइछन्ति 3 जन। बन्या जल में जड़े शिशु महिला एवं वयस्क व्यक्ति फसी रही बेले 3 जन को उद्धार करिछि अग्निशम विभाग। अग्निशम विभाग तरफ रस्सी पकाई समस्त को उद्धार करा जाइछि। सेपरि भोगराई में किछि लोक बन्या जल में फसी रही बेले सेमानंको अग्निशम बाहिनी तरफ उद्धार करा जाइछि। पावर बोट माध्यम रे अग्निशम विभाग तरफ समस्त को सुरक्षित उद्धार करा जाय छि। इने अधिक सूचना दवा पई सत्यजित सेनापति हम प्रतिनिधि जोड़ी छथि। सत्यजित, सुवर्ण रेखा रे जलस्तर बढ़ुची कि भली कोन स्थिति रही छि कहीं ना बालेश्वर रे यार एक विशेष प्रभाव पड़ी छि केतोटी गां वर्तमान सुधा प्रभावित तो? देखु गायत्री जो कथा कहले आपे सुवर्णरेखार जलस्तर बढ़ुला किंतु जहाँ गत 2 घंटा है जो तथ्य आँची राजघाट ठारे जलस्तर स्थिर अच्छी जदि विपद संकेत ढेर उपरे गति करुच्ची वर्तमान भी जलस्तर किंतु वर्तमान 2 घंटा है गोटे आश्वस्तकर विषय हूँ जलस्तर जी देखा जो भोर 5टा बेले जो तथ्य आसला 11.90 था राजघाट ठारे जलस्तर एवं 6टा बेले मध्य तथ्य आसी सामान रही तेनाली गोटे पटे कहीपर जो जलस्तर बर्तमान राजघाट पाखे 11.90 प्रवाहित होती जेहेतु विपद संकेत गत काली टपी जाता गत काली पाखापाखि 2-3टा भितर विपद संकेत टपी परवर्त समय जी आम देखा जे विभिन्न स्थान में पा पशि जार चित्र आम देखु रेस्क्यू करा तथ्य आप दौले तेणु मोटामोटी कहीपर जे वर्तमान बालियापाल भोगराई एवं जलेश्वर किसी अंश एवं बस्तार किसी अंश रही जो गुड़िक जलाल्लम हो जानेक जगार रास्ता कटअप हो जोटि जावा कष्टर हो पड़ी सेपटे देखु गत काली आउ गोटे गुरुत्वपूर्ण कथा है गत काली राति सारा रेस्क्यू ऑपरेशन चली लोक मानू सुरक्षित स्थान को अणा रखा जा सन्ध्या सुधा 5,000 लोक स्थानीकरण करा किंतु राति आज सकाल सुधा जो टार्गेट रखा जाता 1,30,000 पाखापाखि 1,00,000 लोक स्थानांतरित करा प्रशासन सूचना दूसरी तेणु गोटे पटे कहीपर जे प्रशासन जो भाई प्रस्तुत करुसार लोक
ଶାନ୍ତିକରଣ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଖାଦ୍ୟପେୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଯଦି ପାଣିଘେର କଥା କହିବା ଏବେ ଅନେକ ରାସ୍ତା ରହିଛି, ଅନେକ ଗାଁକୁ ଯିବା ରାସ୍ତା ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଛି, ଯୋଉଠିକୁ ବୋଟ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଯିବେ ବା ଲୋକେ ଅଣ୍ଟାଏ ପାଣିରେ ଯିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଡୁଛି ଏବଂ କିଛି ଜାଗାକୁ ଯିବା ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟକର ହେଇପଡୁଛି, ଏଭଳି ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ତେବେ ଆସିଛି ଯେ 9-12 ଭିତରେ ପିକ୍ ଯୋଉ ପିକ୍ କରିପାରେ ଏଇ ଯୋଉ ଫ୍ଲଡ୍ ରହିଛି, ତେଣୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଶା ରଖିବା ଯେ ଜୀବନରେଖାର ଯୋଉ ଜଳସ୍ତର ରହିଛି ଆଉ ଅଧିକ ନବନୁ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଆଶଙ୍କା ଭିତରେ ରହିଛି, କାରଣ ଯଦି ପିକ୍ କରିବ ଏବଂ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖାର ଜଳସ୍ତର ଆଉ ଟିକେ ବଢିବ ତେବେ ଆହୁରି ବିପଦ ମଧ୍ୟ ବଢିବ। ଯେ ଯୋଉ ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡିକ ଜଳାନ୍ନବ ଅଛି, ଯଦି ଆଉ ଜଳସ୍ତର ବଢେ ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ କମେ ସିଏ ବିପଦ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯଦି ଜଳସ୍ତର ଆହୁରି ବଢୁଛି ଏବଂ ଯୋଉ ପିକ୍ ଫ୍ଲଡ୍ କଥା କୁହାଯାଉଛି ମଧ୍ୟାହ୍ନ ବେଳକୁ ଆସିବ, ଯଦି ସେଭଳି ହୁଏ ଏବଂ ଜଳସ୍ତର ଆହୁରି ବଢୁଛି ତେବେ ଆହୁରି ପରିସ୍ଥିତି ସାଙ୍ଘାତିକ ହବ, କାରଣ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଲୋକେ ଜଳ ଘେର ରହିଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ରାତି ତମାମ ଓଡ୍ରାଫ ଏବଂ ଯୋଉ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର ଟିମ୍ ରହିଛନ୍ତି, ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ ଟିମ୍ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ରେସ୍କ୍ୟୁ ଅପରେସନ ଜାରି ରଖିଥିଲେ। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଲୋକେ ଯୋଉମାନେ ଆସିପାରୁନଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦୌଡ଼ି ସାହାଯ୍ୟରେ ଏବଂ ରେସ୍କ୍ୟୁ ଅପରେସନ ପାଇଁ ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ ଓଡ୍ରାଫ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର କେତେ ଜଣିଆ ଟିମ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାହା ସୂଚନା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଇଛି, ପାଖାପାଖି 40 ଟିମ୍ ଯୋଉ ଗୁଡିକ ଭାଗ ହୋଇ ରହିବେ, ଯୋଉମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ରେସ୍କ୍ୟୁ ଅପରେସନ କରିପାରିବେ ସେମାନେ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉଥିରେ କି 5 ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ ଟିମ୍ ରହିଛନ୍ତି, ଓଡ୍ରାଫର 8 ଟିମ୍ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଅଗ୍ନିଶମ ବ୍ଲକରେ ଆଡିସନାଲ ଟିମ୍ ସହିତ ବ୍ଲକ ଲେବୁଲ ଟିମ୍ ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହେଇଛନ୍ତି। ସେଭଳି 35 ଯୋଉ ବୋଟ୍ ଦିଆଯାଇଛି, ରେସ୍କ୍ୟୁ ବୋଟ୍ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି, ଯୋଉଠି ଆବଶ୍ୟକ ପଡିବ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେ ବୋଟ୍ରେ ଯାଇ ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅଣାଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ତା ସହିତ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଗତକାଲି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପକ୍ଷରୁ ଯୋଉ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା, ଗୋଟିଏ ହେଲିକପ୍ଟର ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି, ଆବଶ୍ୟକ ପଡିଲେ ଲୋକଙ୍କୁ ଯୋଉ ସ୍ଥାନକୁ ଓଡ୍ରାଫ ବା ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ ନାହିଁ, ପ୍ରବଳ ଯଦି ସୁଅ ଥିବ ସେ ସ୍ଥାନରେ ହେଲିକପ୍ଟର ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ରେସ୍କ୍ୟୁ କରାଯିବ, ଯାହାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ମୋଟାମୋଟି କହିବା ଯେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲୋକଙ୍କ ରେସ୍କ୍ୟୁ ପାଇଁ ଯଦି କିଏ ଫସିଗଲେ ବା କିଏ ଭାସିଗଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ରେସ୍କ୍ୟୁ ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଚୁଏସନରେ ଗତକାଲି ରାତିରେ କିଛି ଲୋକ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଫସି ଯାଇଥିଲେ, ବଗୁରାଇ ଏବଂ ବାଲିଆପାଳର ମଧ୍ୟ କିଛି ଜାଗାରେ ଲୋକ ଫସିକି ରହିଥିଲେ, ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ଫାୟାର ଟିମ୍ ରହିଥିଲେ ସେମାନେ ବୋଟ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ବା ଦଉଲି ବାନ୍ଧି ଲୋକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିକି ଆଣିଛନ୍ତି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଭଳି କୌଣସି ସୂଚନା ନାହିଁ ଆଉ ଲୋକେ ଫସିବାର, କାରଣ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାକୁ ଯେତେବେଳେ ଗାଁ ଭିତରକୁ ପାଣି ପଶିଥିଲା ଗତକାଲି ଲୋକେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଉ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ରହିଛି ସେଠାକୁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲେ। ନଜର ରଖିଥାନ୍ତୁ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପୁଣି ଫେରୁଛି ସତ୍ୟଜିତ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ, ଲଗାତାର ଭାବରେ ଅପଡେଟ୍ ନବୁ। ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଲୋକଙ୍କୁ ବନ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳକୁ ନିଆଯାଇଛି ଏବଂ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି, ବନ୍ୟା ପାଣିରୁ ବହୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି, ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଆଲର୍ଟ ରହିଛନ୍ତି, ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ ଓଡ୍ରାଫ 15 ଜଣିଆ ଟିମ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲର୍ଟ ରହିଛନ୍ତି, 7 ବୋଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛି ଏବଂ ବହୁ ଲୋକଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ଯାହା ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି, ପାଖାପାଖି 1,00,000 ଲୋକଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି, କାହିଁକିନା ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଏହାର ଏକ ବିଶେଷ ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। କିଛି ସ୍ଥାନରେ ନଦୀ ବନ୍ଧ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକେ ରାତ୍ରି ଯାପନ କରିଥିବା ନଜରକୁ ଆସିଛି। ବଢୁଛି ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖାର ଜଳସ୍ତର, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ଗାଲୁଡିହରୁ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ପାଣି, ଫଳରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ନଦୀରେ ବିପଦ ସଂକେତ ଉପରେ ଚାଲୁଛି ପାଣି। ସେପଟେ ସଜାଗ ରହିଛି ପ୍ରଶାସନ, ଜିଲ୍ଲାରେ 5 ଓଡ୍ରାଫ, 4 ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍, 12 ଅଗ୍ନିଶମ, 35 ପାୱାର ବୋର୍ଡ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛି। ସେପରି ପ୍ରତି ବ୍ଲକରେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି, 307 ରିଲିଫ କ୍ୟାମ୍ପ, 11 ଡାକ୍ତରୀ ଦଳ ଏବଂ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଜୀବନ ରକ୍ଷାକାରୀ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ରହିଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯୁଗ୍ମ ଏସ୍ଆର୍ସି ପଦ୍ମନାଭ ବେହେରା। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ବଗରାଇ, ବାଲିଆପାଳ, ବସ୍ତା, ଜଳେଶ୍ୱର ବ୍ଲକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ପ୍ରାୟ ଜିଲ୍ଲାରେ 1,15,000 ଲୋକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ 5 ଓଡ୍ରାଫ ଟିମ୍, 4 ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍, 12 ଫାୟାର ସର୍ଭିସ୍ ଟିମ୍, 35 ପାୱାର ବୋଟ୍ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ଲକରେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି। 307 ରିଲିଫ କ୍ୟାମ୍ପ, 11 ଡାକ୍ତରୀ ଦଳ ଆଉ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଜୀବନ ରକ୍ଷାକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିବା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି। ରାସ୍ତାଘାଟ ଅବରୋଧ ହଟାଇବା ପାଇଁ 8 ଟିମ୍ ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ନଦୀବନ୍ଧର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ରାତ୍ରିକାଳୀନ ପାଟ୍ରୋଲିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ ବାଲି, ବଲା,
व्यवस्था कराई। आज दिन 12टा बेले राजघाट रे पिक छुईब सुवर्णरेखा। राजघाट रे विपद संकेत उपरे सुवर्णरेखा प्रभावित होउची। यहाँ जो भोगराई बालियापाल अंचल रे पानी पशिचे। जलसंपद विभाग तरफ स्थिति उपरे नजर रखा जायची बोली जलसंपद विभाग सर्वोच्च जंत्री विजय मिश्र कहिछंती। झारखंड सहित समन्वय रक्षा करी जलसंपद विभाग बन्या नियंत्रण को गुरुत्व देउची। बालेश्वर मयूरभंज जाजपुर भद्रक रो बन्या स्थिति उपरे नजर रहिछि। सेबडा आसंता काली पुणि एक लघुचाप हेबार संभावना रही। प्रभाव में छत्तीसगढ़ उपर मुंडे वर्षा संभावना रही। सुवर्णरेखा ठारु सठिक सूचना मिलवा पर केते जल हीराकूद जल भंडार को प्रवेश करिबो से अनुसार केते गेट खोलिबा को पड़िबो आलोचना पर निष्पत्ति नियाजिबो बोले से कहिसेंते। छत्तीसगढ़ सहित समन्वय न रखिले मध्य सीडब्ल्यूसी रिपोर्ट अनुसार आम काम करुछु बोले से कहिसेंते। तबे बैतरणी रे जलस्तर खसुछि। बैतरणी रे पीक 18.99 रु एबे खसुछि जहा विपद संकेत थिला 17.83। उत्तर ओडिशारे बन्या स्थिति लागी रहिथिबा बेले आईएमडी रिपोर्ट आसला परे जलसंपद विभाग स्थिति अनुजाई गुरुत्व देबो बोले से कहिसेंते। सुवर्णरेखाटा आपण काली की तार जणा पडिबो आज से तो ड्रेन जल लेवल क्रॉस कलानी तळिया अंचल रे पानी जिबार आमो पा खबर आसिलानी भोगराई एंड बालियापाल काली सकाळ अराउंड 12टा बेळकु तार पीक छुईब राजघाट रे नहीं झारखंड रत आसूँ कौन आसू डाटा आम ग्रहण पाचु आप जानते से मानकर पिक छाड़ी 17,400 क्यूमेक्स से बर्तमान फलींग ट्रेन रे से माने एबे 6टार रेकर्ड अनुजाई 12,000 केत को आसला जोटा 17,000 थिला से 12,900 को आसला मैंने से भी उपर फलींग ट्रेन अच्छे डिस्चार्ज भी कमुच। फेरिबा से ही खबर को बालेश्वर जिला सुवर्णरेखा रे जलस्तर वृद्धि पाइबा फळरे गाँव रे पानी पशिछि। बहु गाँ वर्तमान जलबंदी अवस्था रे रहिछंती। भोगराई रे मध्य किछि लोक बन्या जल रे फसि रहिछंती। सेमानको अग्निशम वाहिनी तरफ उद्धार करा जायछि। कोन केमति स्थिति सेटा रहिछि एने अधिक आलोचना करबा दुष्मंत बेहरा रहिछंती सीधा सळक। दुष्मंत बहु अंचल वर्तमान जलमग्न रही बालेश्वर यार एक विशेष प्रभाव देखा मिली। भोगराई में किसी लोक उद्धार कर जलेश्वर में सामान स्थिति बर्तमान आप क्योंठे उपस्थित रही कौन चित्र देखुं। देखो आम बर्तमान अच्छु भोगराई ब्लॉक जो जो मंतई घाट जो पंतई घाट रही प्रथम दृश्य देखा किभली भाव में बर्तमान स्थिति रही पखापाखि जो रही भोगराई ब्लॉक लॉक रु नहीं पखापाखि 10 किलोमीटर डिस्टेंस जो सुवर्णरेखार जो पैच रही से अंचल रे बर्तमान पूरा गाँ जलबंदी अवस्था रही देखिथे इलेक्ट्रिक पोल गुड़िक बर्तमान ढली जा तार विद्युत तार गुड़िक बर्तमान विपद संकुल अवस्था अच्छा आपने सेपट गाँ जो लोकंर गत काली आम राति देखल कि भाव में विस्थापित अवस्था से लोके आसी बर्तमान से पहुँची से एरिया रे वर्तमान नई पठार जो रही से माने जरी पाल टाणी से माने एठी रहुचंती एवं प्रशासन पक्षर जो व्यवस्था करा देउथला ताहा वर्तमान बोधे बोध हुए यांको पाखु को पहुंची नै खाली आमे राति 11टा पर्यंत थिलु एठार उपस्थित थिलु एमानकु किभलि भाबरे इवाक्युएट करा जिवो किंतु कोन हेछि पूरा घटनाक्रम उपरे जदि आमे कहिबा ताले देखंतु वर्तमान ये गाँ रो सेपटे पाखापाखि 700 मीटर दूर रे सुवर्णरेखा नदी जाउची तेणु सेठाकार लोक जेहेतु नदी जल माड़ी आसी तेणु से मैंने वर्तमान पूरा पूरी जलबंदी अवस्था रही दृश्य देखे किभली भाव में लोके जो बंध रे आसी उपस्थित अच्छा बंध रे जरी पाल टाणी उपस्थित अच्छा आम पूरा लाइव दृश्य देखा कि भाव में स्थिति रही लोके वर्तमान पर्यंत खाया पीया करना केत छाड़ किंतु जहाँ स्थिति रही गत काली राति वर्तमान पर्यंत गत काली राति जो सुवर्णरेखार पानी थिला माड़ी आसी तेणु एभली समय रे वर्तमान लोकंकु सुरक्षित किभली भाव में पहुँचा जीव ए पानी रो स्थिति केते रहिबो पूरा दृश्य देखा देखु पाग सुखिला रही किंतु जेहेतु उपर मुंडरे वर्षा होउची लगाण वर्षा आमर झारखंड पैच रे तेणु सुवर्णरेखा नदी वर्तमान फुली उठी एवं गत काली राति एवं वर्तमान सकाळ पर्यंत पाखापाखि 8 घंटार ऊर्ध समय पानी रो फ्लो
वर्तमान जो थिला ताहा बेसी रही गत काली अपेक्षा गत काली रातिर दृश्य देखाउतुल कि भली भाबरे ये होची से गां मंतेई घाटर सेपट दृश्य जदि आम देखा चाहिबा ताले पूरा गाँ वर्तमान पर्यंत जलमग्न अवस्था रही अधिकांश लोके वर्तमान ये जो नई पठा रही नदी बंध से नदी बंधरे आसी रहउचंती तेणु देखंतु किभली भाबरे ये जो रास्ता रही रास्तार सेपट प्याच रे जो लोके कच्चा घर जो रही समस्ते आसी नदी बंध उपर रही जदि आम कह जो ड्याम रही देखंतु सेपट दृश्य और एपटर दृश्य मुझे देखापी चाहिए किभली भाबरे जलमग्न अवस्था पूरा गाँ रही आपण देखिपे आम सुवर्णरेखार यूँ मंतेई घाटर से दृश्य देखलु एवं देखु कि भाव में सेपटे देखिपे लोके जलबंदी भितर रही लोकों पाखक वर्तमान पर्यंत किसी सुविधा सुजोग पहुँची पारिना अंपटे जदि आम कह रास्ता देखु कि भाव में जल संजोग जो गाँ को जो पानी माड़ आसी जोगाजोग वर्तमान हो पारिना अनेपटे पछपटर दृश्य देखापी चाहिए कैमेरा पर्सन बटकृष्ण को कहि कि भाव में पूरा अंचल पानी माड़ जाइए से दृश्य देखेबे जदि आम आम कैमेरा जहाँ कैद हो से दृश्य आम देखापी चाहिए वर्तमान समय कि भाव में वर्तमान समय कि भाव में रही डंगा को बांधि दि जाइए कौन सी परिस्थिति रे कौन सी अघटन न घटव कारण ये यही डंगे हिं जीवन जीविका थाए ये मरती सेपटे देखिए चिंगुड़ी घेरी रही आखि जी पर्यटन जाऊँगी कैमेरा लेंस रे जो भिजुआल पहुँचुची ताठू बहु आग को आहरी पा माड़ जाइए मोटामोटी भाव में आम जब कहपटे जब दृश्य देखेबी कि भाव में गाँ लोके जलबंदी अवस्था एवं भी अच्छा तेणु प्रशासन रे एठी बोट व्यवस्था जो गत काली आम कहला सतट बोट व्यवस्था कराई यही गाँ को बोधुए पहुँची पारिना जो कि लोकेठाकर लोके जलबंदी अच्छा वर्तमान समय रे आम गत काली पखापाखी राति दसटार आसलु राति दसटार दृश्य देखिपे से जो दृश्य देखलु से दृश्य वर्तमान चित्र किभली भाव में सुअ छुटी पा देखु घरे अधिकांश लोके भाव में जलबंदी अवस्था चलाचल कर देखु आम से दृश्य एक्सक्लूसिव देखु कि भाव में लोक वर्तमान यो भोगराई ब्लॉक रही मंतेई घाटर ये गोटे साही एठु पखापाखी 700 मीटर दूर रे गाँ रही सेपटे सुवर्णरेखा नदी रही अधिकांश लोके वर्तमान रोचा देखते महिला माने कि भाव में जाऊँगी कौन सी प्रकार वर्तमान गाँव को कि भाव से माने मुख्य रास्ता कि भाव में संजोग करके कि भाव में जगह को फेरी पारे शुखिला जगह को से कौन प्रकार व्यवस्था ना आप देखिपे लोकों सिचुएसन वर्तमान कि भाई अच्छी पानी पखापाखि आंठुएर उपरे कौ जगार अंटे पर्यंत पानी रही तेणु वर्तमान समय किसी प्रतिक्रिया ना आम आज्ञा आपण कल राति के बर्तमान सिचुएसन कौन अच्छी कल राति 10 तो पा जोर बढ़ी बर्तमान सिचुएसन पा बढ़ुच्छे सेपट जो 600 मीटर पखापाखि दूर नदी अच्छी नदी जलस्तर के माड़ी बहुत जोर भय लगुच आपण देखंतु किभली भाव में से दृश्य देखिपारे बटकृष्ण मुँ कह एक्सक्लूसिवली दृश्य किभली भाव रही लोके किभली जीवा आसवा कर देखिपे अंटा पखापाखि पा लोक पिला सुरक्षित भाव से आई लोके किए कांधरे बसई तेणु वर्तमान एठाकर भोगराई ब्लॉक रे स्थिति केते संगीन यू स्पष्ट भाव में प्रमाणित हो जाए देखु सेठाकर लोके वर्तमान पर्यटन जहां पाखे सूचना रही लोके भी जलबंदी भितर रही खाइबा पीबा ठीक भोगराई लोक बन्या जल रे वर्तमान सुधा फसी रही अग्निशम बाहिनी तरफ जदि उद्धार करा जायछि किंतु कौटी ना कौटी जलबंदी अवस्था वर्तमान भी बहु लोक रही नदी पठा उपरे सेमाने आश्रय नहीं पुणी फेरुची दुष्मंत आपण पाखकु रवींद्र नायक आम प्रतिनिधि मयूरभंज रु सीधासळख जोडी होउछन्ति रवींद्र मयूरभंज रे मध्य बन्यार एक विशेष प्रभाव देखा मिली मयूरभंज क्यों अंचल वर्तमान आपण रही कौन वर्तमान स्थिति देखो गोटे पटे कहीपर सुवर्णरेखा विपदसंकुल अवस्था अच्छी जदि आम कथ हो जरूरकालीन अधिकार सहित गत काली राति 2 पर्यंत से अंचल थे जब देखा 2 ब्लॉक प्रभावित हो गोटे
रासंदपुर ब्लक अन्यटे सारसणा ब्लक रासंदपुर अंचल जहाँ खबर रही है 2200 लोक स्थानांतर करने लक्ष्य रखाई है पाखापाखि 2200 लोक रु अधिक लोक स्थानांतर कर जरूरकालीन अधिकारी सूचना देते गत काली मध्यरात्रि पाखापाखि 2टा पर्यंत लोक मानक स्थानांतर कराला जब देखा जो गड़ीघाटी पंचायत रही पाखापाखि गड़ीघाटी गाँव अस्तगढ़िया अड़मंगपुर मालकोड़िया एवं बंद मुंडुली एवं ब्रह्मपुर यही सब गाँ विशेष प्रभावित हे से गाँव जो सुवर्णरेखा पा मारी जाइए से लोक मैंने उच्चास्थान रही बनिया बात्यास्थल रखाई जो जिला प्रशासन तरफ समस्त व्यवस्था कराई जब देखा से रंधा खाद्य गत काल रात दिखाई और सेम पशुपक्षी आणिक ठीक जगह रखाई थी सूचना देखते जिला जल कल अधिकारी अनेपटे जो भाव में ओड्राफ टीम फायर टीम एवं पंचायत जो लोकप्रतिनिधि रही सजाग हो रही जब देखा रासम अंचल बेसी प्रभावित हो कारण राजघाट रोची विपद श्रृंखला अवस्था रोची सुवर्णरेखा तेज जब देखा सारसकणा अंचल जो रही सारसकणा ब्लक पाखापाखि 2टा पंचायत तीन टू 4टि गाँ प्रभावित हे पाखापाखि रही शीर्षा पंचायत और मुरुणिया पंचायत नेदा बणगाँ और रतिला यही गाँ प्रभावित हो सारी कारण गत काल रात ये पा पशि पाखापाखि 600 लोक इवाकुएट करने प्रशासन लक्ष्य रखा पाखापाखि जो मैंने बेस प्रभावित हे 300 रु अधिक लोक से इवाकुएट कराई राति गोटे रु साढ़े गोटे भितर इवाकुएट कराई से अंगनवाड़ी केन्द्र कहतु स्कूल घर कहतु बात्या आश्रयस्थल समस्त व्यवस्था कराई से सेठ रही लोकप्रतिनिधि पाखु आरंभ कर जिला जो ब्लॉक प्रशासन से खाद्यपेयर व्यवस्था कर सुरक्षित भाव रही है तो देखिए प्रशासन तुरंत पदक्षेप नहीं था जेहेतु बुढ़ाबल जो भाव में मयूरभंज जिले में बढ़ुला और बारीपदावासी चिंतार थे बुढ़ाबल पर सुवर्णरेखा लोक मयूरभंजवासी जो दुईट ब्लक रहा डरला से भयभीत अवस्था अच्छा कारण जो अंचल जो एरिया पा मारी पाखापाखि कहींपर हजार हजार चाष जमी ही नष्ट और चाषी मैंने बहुत दुखर अच्छा जब देखा प्रशासन तरफ जो भाव में सतर्क सूचना दिखाई समस्त मानी कारण दुईट ब्लक जो मयूरभंज जिले 26 ब्लक दुईट ब्लक पाखापाखि तीन टी पंचायत ही प्रभावित हे पाखापाखि 8-9 गाँ ही प्रभावित हे समस्त विडीओ कहतु तहसीलदार कहतु सब टीम पाखापाखि 5-7 टीम गत काल नियोजित होते समस्ते त्वरित पदक्षेप नहीं रात 2टा समस्त को उच्चास्थान को निया जब देखा प्रशासन जो रही है सतर्क सूचना रही है प्रशासन तरफ जहाँ व्यवस्था होता है समस्त प्रकार सहयोग कराई अनेपटे जब देखा गत काली केन्द्र मंत्री जा सूचना देते सी नजर रखिंट लोक सचेतन करपटे आज सका विजु जनता दल एक टीम घटनास्थल को जाने जो भाव में लोक साय रिलीफ आंटाप सारसकणा कहतु रासमदुर कहतु से लोक भेटापाई समस्या बुझापी जाती जेहेतु प्रशासन सहित लोकप्रतिनिधि मान समस्त लोकप्रतिनिधि मैंने भी मिलमिश कम कर कारण लोक मान कि भाव में लोक मान समस्या को दूर कराव मयूरभंज विशेष प्रभाव देखा मिली पाखापाखि 300 लोक बर्तमान सुधा इवाकुएट कर सुरक्षित स्थान रखी प्रशासन सजाग रही उद्धार कार्य अग्निशम विभाग एनडीआरएफ ओड्राफ टीम नियोजित होती पुणी परवर्त समय फेरुच्ची रवींद्र आपको वर्तमान पर बहुत बहुत धन्यवाद समस्त सूचना दुष्मंत बेहरा लगातार भाव में भोगराई आम सहित रही मंतई घाटर दृश्य किसी समय पूर्व आपको आम देखु दुष्मंत जो चित्र आप देखते भोगराई मंतई घाटर दृश्य देखते पूरापूरी गाँ जलमग्न अवस्था रही बहु लोक वर्तमान पानी घेर रही किसी लोक नदी पठारे आश्रय नहीं तेरे मोटामोटी भाव में आम जी देखा जेहेतु 12टे पिक छुईब सुवर्णरेखा नदी जलस्तर राजघाटे जिते बड़े पिक छुईब से स्थिति आहुरी दयनीय हो पारे केते जनिया वर्तमान टीम सेठारे नियोजित रही प्रशासन पक्षर जो लोक मान उद्धार कर सब व्यवस्था ग्रहण कर देखु जहाँ स्थानीय लोकों सहित आलोचना करूँ प्रशासन पक्षर जो व्यवस्था कराई पखापाखी ये रसुलपुर पंचायत रही रसुलपुर पंचायत रु पखापाखि आहरी 3 किलोमीटर दूर से ब्लक व्यवस्था कराई किंतु लोकों पाखे जो जो जगार नदी बंध रही जो जगार गाँ रही लोक भाव में पखापाखि इवाकुएट करता से दिगरे पदक्षेप नहीं हूँ तो भल होता आम जो जगार अच्छा पखापाखि एठू 4 किलोमीटर दूर से
तीन किलोमीटर साढ़े तीन किलोमीटर दूर से अग्निशम विभाग जो बोट रही गाँव को वर्तमान पर्यटन बोट आसी पारि ना आम गोटे भाई अच्छा आज्ञा अच्छा प्रतिक्रिया ना से गाँव रिथित कि आज्ञा आम गाँ भर को तो जीव गाँ भर वर्तमान स्थित किभली रही गत काली कि भाव में राति कटी जदि कह मन भय आशंका सब भितर था राति जल थी सका जल हू मड़ी कह चूली पशिगलानी कह गुआल बुड़ीगलानी कह रुआर मुछे मुछे हेलानी ये कल रात शोले जगर थी रात जग शुना रातिर भयंकर सका हू मड़ी कते घर अच्छा भितर गाँ भर बर्तमान घर लोक अच्छा गाँ भर दुई घर केमती कौन अच्छा समस्ते बर्तमान पानी तो जेहेतु पूरा एठी अंटे पुणी भितर को आहुरी अच्छी से लोक सब छात उपरे अच्छा ना मंचा बांधी अच्छा कि भली कौन अच्छी किए छात उपरे अच्छी किए तोले खट उपरे अच्छी खाया पीवा प्रशासन पक्षर जहाँ व्यवस्था कराइला सुखिला खाद्यर कथा किसी ना किसी कल कई अधिकारी आसते कि आपको इवाकुएट कर जो जगह रहा कथा सेल्टर होम कर जो जगह से ना कि व्यवस्था करते जो कह राज्य सरकार रसुलपुर पंचायत रो दृश्य आपण देखो।